हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरी एक और नई वीडियो। प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया है, वीडियो में आप लोग देख रहे हैं एक स्प्लेंडर जो कि फुल्ली मॉडिफाइड है, और इसकी जितनी तारीफ इसके लुक की जाए उतनी कम है। आप देख सकते हैं हर एंगल से बाइक मॉडिफाइड है और इसको एक नज़र में देख के पहचान पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है कि ये स्प्लेंडर है, कोई देख के कह नहीं सकता। पैडॉक स्टैंड पे खड़ी हुई भी बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कोई स्पोर्ट्स बाइक है, कोई डुकाटी वगैरह टाइप की। और इस बाइक में जितनी भी मॉडिफिकेशन की गई हैं, अब अगर मैं कॉस्टिंग बताऊँगा तो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि ये मैं तो इतने में करा देता, उतने में करा देता। भाई, मॉडिफिकेशन में ना मेन जो कॉस्ट होती है वो लेबर की कॉस्ट होती है, जो क्योंकि डिज़ाइन होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं एक पार्ट को। अब जो उसका मतलब, एक तो होता है कि स्टॉक पार्ट तो फैक्ट्री फिटेड जैसे ही मतलब फिटिंग हटाओगे आप फिट अगला पार्ट फिट कर सकते हो, पर जो कस्टम पार्ट बनाना पड़ता है उसको फिट करने में काफ़ी मेहनत लगती है और इसमें काफ़ी सारे कस्टम पार्ट्स फिट किए गए हैं। सबसे पहले अगर हम फ्रंट में बात करें तो फ्रंट में आपको हैंडल बार दिख रहा होगा, इसका क्लिप ऑन हैंडल बार है और काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है। और 5.5 इंच की आपको हेडलाइट मिल रही है जो कि एलईडी हेडलाइट है। ये एलईडी हेडलाइट जो ये साइज़ है, इस हार्ले साइज़ है, मतलब हार्ले और RX 100 में 5.5 इंच का आपको एलईडी हेडलाइट का जो मतलब डायमीटर होता है वो मिलता है। और डिजिटल इसमें मीटर फिट किया गया, ये देखिए डिजिटल और एनालॉग दोनों है। इसमें आरपीएम भी है और हैंडल बार जो है इसकी वो क्लिप ऑन हैंडल बार है, यानी कि तीन पार्ट्स में आती है। देखिए इसमें आरपीएम भी शो होती है और स्पीड भी शो होती है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ है पूरा मीटर, और काफ़ी स्पोर्टी हैंडल है। और इस हैंडल की जो स्ट्रेंथ होती है वो जो नॉर्मल स्टॉक हैंडल होता है उससे थोड़ी ज़्यादा ही होती है। और ये आप इसका टैंक, ये स्टॉक टैंक है, इस पर ग्लोसी चेरी कलर का पेंट किया गया है। ये सीट देखिए बिल्कुल इसकी कस्टम सीट बनाई गई है, सिंगल ही बंदा इस पर बैठ सकता है। इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है एससी प्रोजेक्ट ब्रांड का, विदाउट डीबी किलर है ये एग्जॉस्ट। और देखिए नीचे से भी ब्लैक पेंट किया गया है बाइक को, काफ़ी जेन्युइन लुक दे रहा है, रेड और ब्लैक का जो कॉम्बो आ रहा है निकल के। अगर बात करें इसकी मॉडिफिकेशन की कॉस्ट की तो वो अराउंड 30K है, टू बी एग्जैक्ट 30 से थोड़ा कम में ही हुआ है काम। बाकी अगर आपको काम करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको आवेश कस्टम्स का लिंक मिल जाएगा और इंस्टाग्राम हैंडल उनका मिल जाएगा आपको, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा काम है उनका। बात करें इसके फ्रंट टायर साइज़ की तो इसमें 110 mm का फ्रंट टायर है जो कि क्लासिक 350 में रियर साइज़ होता है, रियर टायर का साइज़ होता है, और 120 mm का रियर टायर है इसमें। फ्रंट में डिस्क भी इंस्टॉल किया गया है, स्प्लेंडर में डिस्क ब्रेक नहीं आता है किसी भी मॉडल में जैसा कि आपको पता है। ये इसके ब्लिंकर्स काफ़ी फैंसी और एलईडी ब्लिंकर्स हैं देखिए, और इनकी भी नाइट में काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है। और जो इसके फेंडर्स वगैरह हैं वो भी कस्टम मेड हैं जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो इन चीज़ों से बाइक की मॉडिफिकेशन पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, पर जो आप क्वालिटी का काम देखिए कितनी अच्छी, मतलब टॉप नॉच बिल्कुल काम हो रखा है बाइक पे। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना आपको स्प्लेंडर कैसी लग रही, और आपको स्टॉक बाइक अच्छी लगती है या ऐसी मॉडिफाइड बाइक। पीछे इसमें देखिए स्ट्रिप बैक लाइट है, इसमें बैक लाइट का और इंडिकेटर्स का दोनों का फीचर होता है। सीट भी इसकी देखिए बिल्कुल कंफर्टेबल है सिंगल बंदे के लिए, काफ़ी एग्रेसिव पोस्चर है। और इसके जो फुट पैक्स हैं यानी कि फुट रेस्ट, उनको थोड़ा एक्सटेंड करके लगाया गया है ताकि राइडिंग पोस्चर अच्छा मिले। और जो इसके रिम्स हैं उनको पाउडर कोट किया गया है, ये देखिए। पाउडर कोटेड है इसके रिम्स, और जो इसका स्विंग आर्म है उसको भी 2.5 इंचेस एक्सटेंड किया गया है क्योंकि ये टायर जैसा कि मैंने आपको बताया 120 mm का टायर है, काफ़ी ब्रॉड होता है।
बाकी इंजन वगैरह से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, वो स्प्लेंडर का ही है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।